को मिला है। श्रावस्ती जिले की विधानसभा 290 में हाजी मोहम्मद रमजान को टिकट न मिलने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अब इस्तीफा देने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं वोटर भी प्रत्याशी से काफी नाराज चल रहे हैं। उनका कहना है कि 2017 में महज 445 वोटों से हाजी मोहम्मद रमजान की हार हुई थी। तब से लगातार वो 10 सालों से इस विधानसभा का दौरा कर रहे हैं और लोगों का सेवा कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने विधानसभा 290 सीट से मोहम्मद असलम रानी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद से वोटर और सपा कार्यकर्ता काफी नाराज दिख रहे हैं। जबकि असलम रानी ने आज विधानसभा टिकट मिला है तो मैं टेरा से टिकट मिला हुआ क्या जानते हैं, वहाँ वहाँ 10 दिन के लिए लड़ाया जाएगा और यहाँ से जिताया जाएगा, लोग यहाँ से विधायक बना के भेजेंगे। हमें चंद्रिका प्रसाद यादव, तो इसलिए हम लोग वोट नहीं देंगे। खुद आदमी हम लोग विरोध कर रहे हैं, हम लोग वादा करते हैं। हेलो, रानी कुंडा के असलम रानी ने विधायक थे यादव मुस्लिम से प्रत्याशी ले जाएंगे, हाजी रंजन के चुनाव हो जाएगा सीधे सीधे। स्वतंत्र होकर कहीं वोट देंगे लेकिन समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे। रमजान साहब जो कहेंगे वो हम साथ थे और ये असलम रानी चुनाव नहीं जीत पाए।